दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। नंबर सिस्टम सेसफल प्रमेय पर ये वीडियो पांचवा है, जिसमें हम लोग बात करेंगे डिवीजन और डिवीजन की प्रॉपर्टीज और सेसफल प्रमेय यानी रिमाइंडर थ्योरम पर। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के लगाने के ट्रिक्स और उसके साथ साथ उसका पूरा कॉन्सेप्ट भी, ताकि आप एक ही जगह पर सारी बातें एक साथ सीख सकें और ये सारे क्वेश्चन एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दिया है कि किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या है? तो मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, फिर इस सवाल को हम लोग कुछ सेकेंडों में कर लेंगे, मात्र कुछ सेकेंड लगेंगे। मान लीजिए कि एक संख्या 12 है और इसको हम 5 से भाग देते हैं, तो दो बार जाएगा, 5 दूनी 10 और यहां पर 2 शेष आ गया। अब 12 का वर्ग कर देंगे तो ये 144 हो गया। अब 144 में 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, देखिए ये 44 आ गया और 5 × 8 = 40, 8 बार जाएगा और घटा देंगे और 4 शेष आएगा। तो यहां पर गौर करने वाली बात ये थी कि यहां संख्या आपको मालूम थी, तो इस संख्या का आप वर्ग कर दिए तो 144 पता चल गया और 144 में जब भाग दिए तो 4 इसका भाग शेष आएगा। कॉन्सेप्ट ये है कि यहां पर जो क्वेश्चन दिया है इसमें संख्या नहीं पता है, तो हमको भी संख्या की जरूरत नहीं है। क्यों? पहली बार भाग देने में जो शेष आया है, शेष देखिए 2 आया है, तो यहां पर लिख रहा है कि संख्या का वर्ग किया गया है, तो जो काम संख्या के साथ किया गया है वही काम उसके शेष के साथ कर देंगे। तो यानी शेष जो 2 आया है इसका वर्ग कर देंगे तो 2 का वर्ग हो गया 4, और 4 में जब आप 5 से भाग देंगे तो 5 से चूंकि छोटी संख्या 4 है इसलिए 0 बार भाग जाएगा और 4 ही शेष आ जाएगा। तो जब भी किसी संख्या से यानी 5 से अगर किसी संख्या में भाग दे रहे हैं तो शेष 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 और 4, इतनी संख्याएं शेष आ सकती हैं। तो ये अगर संख्याएं हैं और 5 से भाग दिया जा रहा है तो चूंकि ये 5 से सब छोटी हैं तो यही इसके शेष हो जाएंगे। तो यहां पर क्या काम करना है कि आपको संख्या जो वास्तविक संख्या है उसको पता करने की जरूरत नहीं है। पहली बार जब भाग देने पर जो शेष प्राप्त हुआ है उसी शेष को वही काम कर देना है, जैसे यहां पर लिख रहा है कि संख्या के वर्ग कर दिया गया, तो हम संख्या के वर्ग कर दिया गया तो वही काम उसके शेष के साथ कर देंगे। तो यहां पर 3 का वर्ग कर देंगे तो 3 का वर्ग 9 होगा और 9 में 6 का भाग दे देंगे तो 6 × 6 और 9 में से 6 गया 3, तो 3 इसका शेष आ गया और आंसर आ गया 3। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि जो काम संख्या के साथ करने के लिए, जो क्रिया संख्या के साथ करने के लिए कही गई है वही क्रिया हमको शेष के साथ करके और फिर 6 से भाग दे देना है। यहां पर दोनों स्थिति में भाजक सेम है यानी डिवाइजर सेम है, ये डिवाइजर अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है, तो आपको काम यहां पर वही करना है जो संख्या के साथ आप कर रहे हैं वही काम शेष के साथ करना है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए दिया है कि किसी संख्या n को, संख्या को बता दिया n, 4 से विभक्त करने पर शेष फल 3 आता है। संख्या 2n को 4 से भाग देने पर क्या होगा? माने यहां पर भाजक सेम है दोनों और संख्या का 2 गुना कर दिया गया, तो यहां पर जो पहली बार शेष प्राप्त हुए इसका हम लोग 2 गुना कर देंगे तो ये हो गया 6। अब 6 में 4 का भाग दे देंगे तो एक बार जाएगा और 2 शेष आ गया, तो इसका आंसर हो गया 2।
तो यहां पर मैंने आपको बताया कि जो काम संख्या के साथ, यहां संख्या का दो गुना किया गया तो शेष का दो गुना कर देंगे, अगर संख्या का तीन गुना किया जाता तो शेष को भी तीन गुना कर देते, अगर संख्या को क्यूब कर दिया जाता, घन कर दिया जाता, तो हम लोग शेष को भी घन कर देते और तब भाग देते। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जो काम संख्या के साथ, इसका कितना गुना करके भाग देना है या उसका कितना घात करके भाग देना है, वही काम उसके शेष के साथ करके और जिस संख्या से भाग देने के लिए कहा जा रहा है उससे भाग दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर दोनों स्थितियों में जो भाजक है यानी जो डिवाइजर है वो सेम है, यानी यहाँ भी चार है और यहाँ भी चार है। आइए अब क्वेश्चन नंबर तीन करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन में दोस्तों दिया है कि 169 से भाग देने पर कोई संख्या, अब देखिए यहां भी संख्या पता नहीं, 78 शेष छोड़ती है, तो उसी संख्या में, अब संख्या तो नहीं पता है, 13 से भाग देने पर क्या शेष आएगा, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये समझ। कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए कि एक संख्या 126 है, हम इसमें 12 से भाग दें तो ये 10 बार गया और 6 शेष आया। अब 12 के फैक्टर से अगर भाग दिया जाए तो 12 के फैक्टर क्या क्या होंगे, यानी 12 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6, तो एक को हटा दीजिए क्योंकि एक तो किसी भी संख्या का फैक्टर है, बाकी ये इनको रखिए, अब खुद 12 भी है तो 12 को भी हटा दीजिए, तो 2, 3, 4 और 6 इसके फैक्टर होंगे। अब क्या करना है कि अगर हम 126 को इन फैक्टर्स से भाग दें, जैसे मान लीजिए कि 126 को हम 3 से भाग दें तो 3 चौके 12 और 6 उतरेगा और 3 दूना 6 और 0 शेष आया, तो हमको संख्या पता थी तो उसके फैक्टर से भाग दिया तो शेष पता चल गया। अब आपको क्या करना है, अगर 12 के ये फैक्टर्स हैं जो यहां पर हमने लिखे हैं, अगर इन फैक्टर्स से भाग दिया जाएगा तो 12 से भाग देने पर जो शेष आया है, यहां पर देखिए 12 से भाग देने पर शेष 6 आया है, तो हमको संख्या नहीं चाहिए, अब इसी शेष में इसके फैक्टर से भाग देंगे तो वही शेष आएगा जो वास्तविक संख्या में 12 के फैक्टर से भाग देने पर शेष आएगा। तो जैसे यहां पर 6 शेष आ गया 12 से जब भाग दिए, तो अब 6 में 3 के भाग देंगे तो 3 दूना 6 कट गया और शेष 0 आया, और वास्तविक संख्या में भी 3 से भाग देने पर शेष 0 आया था। एक और एग्जांपल से हम आपको दिखाते, अब मैं आपको 4 से दिखाता हूं, तो ये हो गया 126, ये वास्तविक संख्या, अब 4 से भाग देंगे तो 4 तिया 12, 0 0 6 उतरा, 4 एकम 4 और 2 शेष आया, तो ये तो वास्तविक संख्या में भाग दिए। हमको क्या करना है कि यहां वास्तविक संख्या पते नहीं है तो हमको सिर्फ शेष पता है, यानी यहां पर शेष से अगर काम करना हो तो कैसे होगा, तो शेष यहां 6 है, अब 6 में 4 का भाग देंगे तो वही शेष आएगा जो वास्तविक संख्या में भाग देने पर मिल रहा है। देखिए यहां भी 2 शेष आ गया, तो हमको अब कॉन्सेप्ट ये कहता है कि शर्त क्या होनी चाहिए, शर्त ये होनी चाहिए कि अगर 12 के फैक्टर्स से उसी संख्या में भाग दिया जाएगा तो जो शेष आएगा वही शेष 12 से भाग देने पर जो शेष आया है उस शेष में अगर 12 के फैक्टर से भाग देंगे तो शेष जो आएगा वही शेष वास्तविक संख्या में भाग देने पर भी आएगा। तो हमको वास्तविक संख्या से हम मतलब नहीं है, हमको क्या मतलब है कि 12 से भाग देने पर जो शेष आया है उसी में 12 के फैक्टर से भाग दे देंगे तो शेष हमको वही मिलेगा जो वास्तव में 126 में भाग देने पर शेष मिलेगा। यही कॉन्सेप्ट यहां पर यूज करना है। तो देखिए आपको क्या करना है कि ये 169 है तो हमको ये चेक करना है कि जो 13 से भाग दिया जा रहा है तो क्या 13 169 का फैक्टर है, तो जी फैक्टर है,
13 जो है 169 का फैक्टर है, क्योंकि यह 13 का वर्ग ही 169 है। तो जब 13 जो है 169 का फैक्टर है, ये फैक्टर हो गया यानी गुणनखंड हो गया, तो हमको क्या करना है कि 169 से भाग देने पर उस संख्या में जो शेष आया है, इसी शेष में जब हम 13 से भाग दे देंगे तो हमको वही शेष मिलेगा जो वास्तविक संख्या में 13 से भाग देते और शेष मिलता। तो 13 × 78 छह बार जाएगा और शेष यहां पर जीरो मिल गया, तो आंसर यहां पर हो गया जीरो। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्या चेक करना है कि जो पहला भाजक है, जो पहला डिवाइजर है, उस डिवाइजर का जो दूसरा डिवाइजर है वो फैक्टर होना चाहिए। ये बात समझ ली कि प्रथम भाजक का यानी डिवाइजर का दूसरा जो डिवाइजर है, दूसरा भाजक फैक्टर होना चाहिए। अगर फैक्टर है तो पहले भाजक से जो शेष मिला है उसी शेष में दूसरे भाजक से भाग देकर वास्तविक शेष निकाल लेंगे जो शेष आना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फिर वही मैं दूसरा क्वेश्चन लिया हूं कि किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेष प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 37 से भाग दें तो शेष क्या आएगा। अब आपको क्या चेक करना है कि 37 296 का फैक्टर है कि नहीं, तो 296 का फैक्टर 37 है कि नहीं ये पता करना है। तो 37 में अगर 8 का हम गुणा कर दें तो हमको 296 मिल जाएगा। 8 × 7 = 56, 5 × 8 = 24, 5 × 29, तो 296 का 37 एक फैक्टर है। तो हमको ये बात पता चल गई कि फैक्टर है। अब हमको क्या करना है, इस 75 में 37 से ही भाग दे देना है, जो पहले वाले भाजक से शेष मिला है उसी शेष में 37 से भाग दे देंगे तो हमको सही उत्तर यानी शेषफल मिल जाएगा। तो 37 दुना दो बार ले जाएंगे, 2 × 7 = 14, 2 × 3 = 6 = 7, 37 × 2 = 74, 5 × 4 = 1, 1 इसका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5 आइए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, फिर मैं एक दूसरा क्वेश्चन लिया हूं कि यदि किसी संख्या में 119 से भाग देने पर 19 शेष प्राप्त होता है, तो यदि उसी संख्या को 17 से भाग दें तो शेष क्या आएगा। देखिए 17 जो है 119 का फैक्टर है, 17 × 7 = 19 से यानी 119, तो अब आपको क्या करना है, इस 19 में ये जो शेष है इसमें 17 से भाग दे देंगे तो हमको उत्तर मिल जाएगा। तो 9 में से 7 गया 2, तो 2 इसका आंसर हो गया यानी ऑप्शन डी सही है। तो इस तरह से आप कॉन्सेप्ट समझ जाने के बाद आप बिल्कुल विदाउट पेन और पेपर कर सकते हैं। आपने देखा कि इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ सेकंड का टाइम लग रहा है, तो कॉन्सेप्ट समझ जाने के बाद समय लगेगा ही नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 एक नए तरीके का क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे, तो इसका पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर क्वेश्चन को करेंगे। देखिए भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है, यदि शेषफल 28 हो तो भाज्य क्या होगा। देखिए भाग देने की जो व्यवस्था है हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, तो यहाँ पर जो चीज होता है उसको कहते हैं भाज्य, यहाँ जो चीज रहती है या जो संख्या रहती है वो भाजक होती है, यहाँ पर जो संख्या रहती है उसे भागफल कहते हैं और यहाँ जो संख्या होती है उसे शेष कहते हैं या शेषफल कहते हैं। अब शेषफल हरदम धनात्मक होता है, तो ये जो चारों संख्याएं हैं इनमें आपस में संबंध होता है, वो क्या होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल होता है, भाजक गुणे भागफल और धन शेष होता है। तो भाज्य कैसे निकलता है, भाजक गुणे भागफल धन शेष। अगर मान लीजिए कि हम भाज्य को B मान लें, भाजक को A मान लें और भागफल को Q और शेषफल को R माने, तो इसको लिख सकते हैं B बराबर A गुणे Q प्लस R। तो ये एक छोटे में ये हो गया भाजक
भाज्य बराबर भाजक गुणे भाग फल धन शेष, यही चीज यहाँ पर लिखी गई है और इसी चीज का यहाँ पर यूज किया जाएगा। तो कैसे यूज करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन से सीखेंगे, फिर अगले दो क्वेश्चन इसी सीखने वाली प्रक्रिया से कर लेंगे। अब देखिए भाग के एक प्रश्न में भाजक भाग फल का 7 गुना तथा शेष फल का 3 गुना है, यदि शेष फल 28 हो तो भाज्य कितना होगा। तो भाग देने वाली जो प्रक्रिया है जो संकेत है उसको कर लेते हैं। तो यहां पर होता है भाज्य, यहां रहता है भाजक यानी जिससे भाग दिया जाना है, यह है भागफल और यहां पर आता है शेष। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन में दिया है कि शेषफल 28 दे दिया। अब कह रहा है कि जो भाजक है यानी ये जो है ये शेषफल का 3 गुना है, यानी ये जो शेषफल है इसका 3 गुना। तो 3 गुना कर देंगे तो 3 8 है 24 और 3 2 6 और 2 8 84 आ गया। अब कह रहा है कि ये जो भाजक है ये शेषफल का तो 3 गुना है लेकिन भागफल का 7 गुना है। यहां पर ये जो भागफल है तो ये किस संख्या का 7 गुना ये है, तो क्या करेंगे भागफल बराबर 84 गुणे 7 गुना है तो 1/7 कर देंगे तो वो संख्या पता चल जाएगी। तो ये 12 से कट जाता है तो ये हो गया 12। तो 12 का 7 गुना भाजक है तो 12 × 7 = 84 और 28 का 3 गुना है, तब आपको भाजक मिल गया, भागफल मिल गया और शेष मिल गया। तो भाज्य निकालना है तो भाज्य कैसे निकालेंगे, भाज्य बराबर भाजक यानी 84 गुणे भागफल यानी 12 धन शेष यानी 28। अब यही उत्तर होगा। तो 12 × 48 के 8 हासिल 4, अब 12 × 96 और 400 और इसमें 28 और जोड़ देंगे तो 8 8 16 2 1 3 और ये 10 1036। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। तो यही चीज यूज करना है, आप चाहें तो तुरंत इस तरह से बना लीजिए और जो शर्तें दी गई हैं उस शर्तों को लगा दीजिए, आपका तुरंत उत्तर आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करो। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है, यदि शेषफल 42 हो तो भाज्य क्या होगा। फिर वैसे ही कर लेंगे, देखिए यहाँ पर भाज्य रहता है, यहाँ भाजक और यहाँ भाजक भागफल, तो ये शेष 42 दिया है और इसका 5 गुना है तो 5 गुना यहाँ पर कर लेंगे तो 5 × 2 = 10 5 × 4 = 20 2 × 10 आ गया और 210 7 गुना है किसी संख्या का, यानी 30 का 7 गुना 210 होगा। तो भागफल आ गया 30 और यहां पर भाज्य आपको पता करना है, शेष मालूम हो गया तो भाज्य बराबर 210 × 30 42। तो यहां पर देखिए ये 21 × 63 हो जाएगा और 00 और 42 इसमें जोड़ देंगे तो ये 63 42 इसका आंसर आ गया। तो 63 42 63 42 यानी ऑप्शन डी सही। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसे कितने इजी तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जब आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आपसे ये गलती नहीं होगा और आप बिल्कुल इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करो। क्वेश्चन नंबर 8 में भी दिया है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 3 गुना तथा शेषफल का 2 गुना, यदि शेषफल 6 हो तो भाज्य क्या होगा। फिर वही बात, यहाँ पर शेष है, शेष 6 दिया है और शेषफल का 2 गुना है यानी 12 ये आ गया और भागफल का 3 गुना है तो ये 12 किसका 3 गुना है, तो 12 × 1/3 कर देंगे तो पता चल गया। तो भागफल 4 आया, 4 का 3 गुना 12 है तो यहाँ पर भाज्य आपको निकालना है। तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल यानी 12 × 4 और धन शेष यानी 6। तो 12 × 48 धन 6 8 48 और 6 54 तो संख्या आ गई
चोंगन यानी ऑप्शन डी सही। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि जब किसी संख्या को उत्तरोत्तर 6, 7, 6 और 7 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 3 और 5 बचता है। जब इसी संख्या को उत्तरोत्तर 7 और 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः क्या होगा। ये उत्तरोत्तर शब्द यहां पर जो दिया है उत्तरोत्तर, और उत्तरोत्तर को क्रमिक भी बोलते हैं और इसे बारी बारी से भी बोलते हैं, तो इतने शब्द यूज किए जाएंगे। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये 124 एक संख्या है और 5 से भाग देना है, तो 5 से भाग दिए तो 5 × 10 आया, ये आ गया 24 और 5 × 4 = 20, 4 शेष आ गया 5 से भाग देने। अब मान लीजिए कि इस 24 में 3 से भाग दें तो 3 × 8 = 24, शेष कितना आ गया 0, और इसमें मान लीजिए कि इस 8 में फिर 2 से भाग दें तो 2 × 8, फिर शेष 0 आ गया। तो यहां पर आप देखिए जो बात आपको समझनी है, ये भाजक है पहला, ये भाजक है दूसरा और ये भाजक है तीसरा। तो पहला भाजक तो मेन संख्या में भाग दिया गया, अब जो इससे भागफल प्राप्त हुआ, ये भागफल, इस भागफल में दूसरे भाजक से भाग दिया गया यानी 3 से भाग दिया गया, फिर 3 से जो भागफल मिला इस भागफल में 2 से भाग दिया गया, तो जो ये शेष आए हैं अलग अलग, जैसे पहली बार भाजक ये डिवाइजर नंबर 1 है, ये डिवाइजर नंबर 2 है और ये डिवाइजर नंबर 3 है, तो ये रिमाइंडर नंबर 1, ये रिमाइंडर नंबर 2 और ये रिमाइंडर नंबर 3 है, तो ये अलग अलग आपको शेष मिलेंगे। इसी तरह के भाग की क्रिया को, भाग के जो ऑपरेशन होते हैं कि जो भागफल है उसमें भाग देते जाते हैं, तो इसी को उत्तरोत्तर क्रमिक या बारी बारी से भाग देने की क्रिया कहते हैं। अब इसे हम लोग कैसे समझेंगे, ये तो मैंने एग्जाम्पल से समझाया, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट से समझाता हूं। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये समझिए, जैसे मान लीजिए कि संख्या n है और n में हम x से भाग देंगे, तो मान लीजिए कि भागफल a गया और शेष आ गया r1, n में भाग दिया। अब ये जो भागफल आया है इसमें अब y से भाग देंगे, तो मान लीजिए भागफल b आया और शेष आ गया r2, अब ये जो भागफल b आया है इस b में हम z से भाग देंगे, तो मान लीजिए कि यहां पर ये z क्या है, ये अंतिम भाजक है, ये अंतिम डिवाइजर है, तो यहां पर भागफल हम 1 मान लेते हैं, तो यहां पर शेष हमको मिल गया r3, अब भागफल 1 है, तो इस n को कैसे लिखेंगे, ये n बराबर होगा, ये देखिए भाजक है ये भागफल है, यानी x into a प्लस शेष होता है तो r1 शेष हो गया। अब ये जो a है, a में किससे भाग दिया गया, y से, तो a बराबर a को y से भाग दिया गया, तो y से भाग दिया गया तो b भागफल आया और शेष आ गया r2। अब ये जो b है इस b को z से भाग दिया गया तो भागफल अंतिम मान लीजिए कि 1 आया और शेष आ गया r3, तो हम यहां पर b की वैल्यू रख देंगे तो a की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, और b यहां से मिल गया, इस b की वैल्यू यहां रख देंगे तो हमको a की वैल्यू मिल जाएगी, और a की वैल्यू यहां रख देंगे तो हमको n यानी संख्या मिल जाएगी। यही काम हमको करना है। इस काम को कैसे करते हैं, आइए हम लोग इस क्वेश्चन में देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस टेक्निक से। मान लीजिए कि जब किसी संख्या को उत्तरोत्तर 6, 7 से, अब संख्या नहीं मालूम हम, तो संख्या को मान लीजिए कि n है संख्या, अब इस संख्या को 6 से भाग दिया गया, तो 6 से भाग दिया गया तो हम मान लिए कि a आ गया भागफल, और शेष यहां पर दिया है कि 3 आया तो 3 शेष लिख लिए। अब ये जो भागफल a है, अब इस a को 7 से भाग दिया गया, तो मान लीजिए भागफल यहां हम 1 मान लेते हैं, क्योंकि लास्ट वाला जो भागफल होगा
उसे वन मान लीजिए, दो भी मानेंगे तब भी उत्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीन भी मानेंगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम लोग सामान्यतः एक मान लेते हैं। और यहां पर शेष है पांच, तो पांच लिख दिए। अब एक की वैल्यू क्या आ गई, सात एकम सात और पांच बारह, बारह आ गई। इस बारह को यहां रख देंगे तो बारह में छह का गुणा करेंगे बहत्तर और तीन पचहत्तर, तो एक एन आ गया पचहत्तर। अब कह रहा है कि अब जब इस संख्या को उत्तरोत्तर सात और छह से भाग दिया जाए तो शेष क्या आएगा। अब पचहत्तर को किससे भाग देना है, सात से भाग देना है, तो अब सात से भाग दे देंगे पचहत्तर को, सात से भाग देंगे तो दस बार जाएगा, दस सात सत्तर और पांच शेष आ गया। अब ये जो पांच दस है, अब इस दस में किससे भाग देना है, छह से भाग देना है, क्योंकि इस भागफल में भाग देना है, तो एक बार जाएगा और शेष आ गया चार। तो पांच पहली बार शेष आएगा और दूसरा चार शेष आएगा, तो पांच और चार यानी ऑप्शन बी सही है। तो यही काम करना है आपको, एक संख्या मान लेनी है और जो ये प्रोसेस मैंने अपनाया है इसी प्रोसेस से हम संख्या प्राप्त कर लेंगे, वास्तविक संख्या, और फिर उसमें भाग देने की क्रिया जो वो बता रहा है कि उलट करके करनी है उसे हम लोग कर देंगे। यहां पर देखिए पहले छह से भाग दिया गया, फिर बाद में सात से दिया गया, तब शेष तीन और पांच आया, और बाद में कहा जा रहा है कि पहले सात से भाग दिया जाए फिर छह से दिया जाए तब का शेष आएगा। तो हम लोगों को संख्या जानने की जरूरत पड़ गई और उसकी मदद से हम लोगों ने सही उसके शेष निकाल लिए, यानी पांच और चार। आइए क्वेश्चन नंबर दस करते हैं ताकि हम लोगों को और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर दस में कि जब किसी संख्या को क्रमिक रूप से, देखिए यहां पर शब्द आ गया क्रमिक रूप से, तीन चार और सात से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः दो एक और चार बचता है। तो जब इसी संख्या को चौरासी से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, तो हमको संख्या प्राप्त करनी है। तो मान लीजिए कि वो संख्या n है, अब इस संख्या को तीन से भाग दिया गया तो मान लीजिए कि भागफल a आया और शेष मालूम है कि ये दो है, ठीक। अब देखिए ये जो a है, अब इस a को किससे भाग दिया गया है, चार से, तो मान लीजिए कि भागफल b आ गया और शेष आ गया वन। अब यहां पर जो b है इसमें भाग दिया गया तो b को किससे भाग दिया गया, सात से, तो अंतिम जो भागफल है उसको हम लोग एक मान लेंगे और शेष यहां पर देखिए चार है तो चार, तो सात चार ग्यारह, तो बी की वैल्यू ग्यारह आ गई। अब बी जब यहां पर ग्यारह लिखेंगे तो ग्यारह चौक चौवालीस एक पैंतालीस, ए की वैल्यू पैंतालीस आ गई, और पैंतालीस में तीन से गुणा करेंगे तो तीन पांच पंद्रह, तीन चौक बारह एक तेरह, एक सौ पैंतीस और दो जोड़ देंगे तो एक सौ सैंतीस, तो एक सौ सैंतीस संख्या हमको मिल गई। अब एक सौ सैंतीस जो संख्या मिली है इसमें चौरासी से भाग देना है तो एक बार जाएगा, सात में से चार गया तीन, और यहां पर देखिए तेरह है, तेरह में से आठ गया पांच, तो तिरपन इसका शेष आ गया, तो यह ऑप्शन नंबर डी सही है। तो आप अब कायदे से समझ रहे होंगे कि इस प्रक्रिया को किस तरह से करना है। क्रमिक भाग देने का मतलब ये हुआ कि पहले से जो भागफल प्राप्त होगा उसमें भाग देंगे, फिर जो भागफल प्राप्त होगा फिर उसमें भाग देंगे, और अंतिम जो भागफल होगा उसे एक मान लेंगे। अगर आप दो भी मानते हैं तब भी उत्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि किसी संख्या को तीन पांच और आठ से उत्तरोत्तर भाग करने पर शेषफल क्रम से एक चार और सात प्राप्त होते हैं, यदि भाजकों का क्रम उलट दिया जाए तो शेषफल क्या होंगे। यानी ये जो भाजक हैं इनको अब आठ से पहले फिर पांच से फिर तीन से भाग दिया जाए तो अब नया शेष इनमें से क्या होगा। तो फिर वही करेंगे हम, n बराबर मान लेते हैं कि वो संख्या है, पहले तीन से भाग दिया गया, तीन से भागफल a आया और शेष आ गया वन। अब a में भाग दिया जाना है तो a में भाग दिया जाना है, तो देखिए a में किससे भाग देंगे, पांच से देंगे, तो मान लीजिए कि भागफल b आया और शेष आ गया चार। अब b है, अब b से भाग देना है, b में भाग देना है आठ से, तो अंतिम जो भागफल है उसे वन मानेंगे और शेष यहां पर सात है, तो देखिए आठ और सात यहां पर पंद्रह आ गया,
तो बी की वैल्यू 15 और 15 में 5 का गुणा करेंगे 75 और 4 79, तो 79 यहाँ पर आ गया ए की वैल्यू। अब 79 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 नवा 27 और 3 सात 21 और 2 23, 237 प्लस 1 और ये आ गया 238। अब 238 में पहले 8 से फिर 5 से फिर 3 से भाग देना है, तो 238 में पहले 8 से भाग देंगे तो देखिए क्या होगा, 8 से भाग देंगे तो 8 दूनी 16, 13 में से 6 गया 7 6 13 और ये 78 आ गया, 8 नवा 72 यहां पर आ गया 6 शेष। अब क्या करना है, अब इस 29 में किससे भाग देना है, 5 से भाग देना है, तो 5 5 25 देखिए आ गया शेष 4। अब यहां पर क्या करना है, जो ये भागफल आया है 5 इसमें अब 3 से भाग देना है तो 3 एकम 3 ये आ गया 2। तो अंतिम रूप से आप देख सकते हैं यहां पर 2 शेष आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया, तो 6 4 2 ये शेष आया, 6 4 2 यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आई होप कि अब आपको क्लियर कट समझ में आ रहा होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे टेकल करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 12 और इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि किसी संख्या में 4 5 और 6 से बारी बारी से भाग करने पर शेषफल क्रमशः 2 3 5 मिले और अंतिम भागफल, जैसे हम लोग अंतिम भागफल 1 मान लेते थे, यहाँ पर 7 दिया, अंतिम भागफल 7 हो तो संख्या क्या है, वो संख्या बतानी है। तो मान लीजिए वो संख्या n है, तो n में पहले 4 से भाग देंगे तो भागफल a आया और शेष आ गया 2। अब a जो संख्या है इसको भाग करना है 5 से, तो भागफल b आया और शेष आ गया 3। और b जो है b को 6 से भाग देना है और भागफल देखिए 7 कह रहा है और शेष मिल गया 5, तो 7 6 42 5 47, b की वैल्यू 47 आ गई। और जब यहाँ पर 47 रखेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 5 7 35 5 3, 5 4 की 20 3 23 और 3, तो 238 ये हो गया, 35 3 38। अब यहाँ पर देखिए 4 से यहाँ गुणा करेंगे, 4 8 32 के 2 3, 4 3 12 3 15 और 4 दुनिया 8 और 1 9, और इसमें 2 और ऐड करना है तो ये आ गया 954, तो ये आ गया 954, तो वो संख्या क्या मिल गई, 954 और ऑप्शन नंबर सी सही है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा और इस तरह की वीडियो मैं आपको रोज उपलब्ध कराऊंगा ताकि आपकी तैयारी बिल्कुल ठीक से हो सके। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी टच करना ना भूलें ताकि आपको वीडियो अपलोड हो तो तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे देखकर लाभ ले सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।